वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डीजे एक्सपेरिमेंट। और हम आ चुके हैं अपने खेतों की तरफ। देख सकते हैं आप लोग, ये दिख रहे हैं आप लोगों को हरे हरे खेत, कितना अच्छा धान लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। और ये इधर देखिए गन्ना लगा हुआ है। और हम यहाँ पर आए हैं एक एक्सपेरिमेंट करने, और चलते हैं एक, देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा मेरा जो अटान बना हुआ है जिसपे बैठ के खेत को बचाया जाता है, रात को यहीं रेस्ट भी किया जाता है। आइए चलते हैं अपने अटान की तरफ। गांव में इसे मचान भी बोलते हैं, अटान भी बोलते हैं। आगे ये देख सकते हैं गाइस, गन्ना चूसने वाला हो गया। देख सकते हैं नीचे अच्छा सा गन्ना आ चुका है। अभी कुछ दिनों बाद ये छिलना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी शक्कर बनेगी। आगे देखिए ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। ये देखिए अटान है दोस्तों, और ये इसकी सीढ़ियां हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सीढ़ियां हैं, इन पर से ऐसे चढ़ा जाता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, चप्पल निकाल दें नीचे, ये इस तरीके से इस पे चढ़ा जाता है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम ऊपर चढ़ाए हैं कि बहुत ही अच्छा नजारा है यहाँ से। आप लोगों को भी दिखाएंगे यहाँ से कितना अच्छा खेतों का दृश्य आ रहा है। तो आ जाओ भाई ऊपर, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये आगे देख सकते हैं आप लोग, धान के खेत लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे खेत हैं। और सब गन्ना ही गन्ना ज़्यादातर लगा हुआ है चारों तरफ, आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और कितना सुंदर नेचर है सामने, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और उस वो जो पेड़ दिख रहे हैं दूर, उसके पीछे हमारा गांव है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइज, ये आम का पेड़ लगा हुआ है हमारे खेत में। यहाँ आने का कुछ हमारा मकसद ही और था। हम जब छोटे थे, गांव में रहते थे, तो ऐसे ही हमें खेतों में जाना पड़ता था, और खेत में जाके मकाई बोई जाती थी, उसको बचाना पड़ता था, बचाते थे। तो उसमें जब मकाई को बचाते थे तो बहुत सारी चिड़िया, जो कि तोता हैं, पक्षी हैं और बहुत सारे कौवे हैं, वो आ जाते थे खेत में भुट्टे वगैरह खाने के लिए। तो उनको बचाने के लिए एक जुगाड़ू यंत्र बनाया जाता था, पटाखा, गांव में। शायद आप लोगों ने भी बनाया हो, जिन लोगों ने बनाया हो और उसके बारे में जानकारी हो उसे क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ऐसे ही अटान पर कभी बैठ के हम लोग बनाया करते थे और दगाते थे और चिड़िया और पक्षियों को भगाते थे। हाँ तो गाइस देखिए, ये हमने एक डायरी निकाल ली है और हम अपने बैग को खोलते हैं, निकालते हैं इसमें से कुछ चीज़ें जो हम लेके आए थे साथ में। ये देखिए माचिस है गाइस, इसकी आवश्यकता पड़ती है। और क्या हुआ, हाँ तो ये देखिए गाइस, जो लोग जानते हो ये क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए हमें। पास से आप लोग देख सकते हैं, सभी लोग जानते होंगे। ये देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और ये हमारे पास है एक तीली, साइकिल की तीली, आप लोग देख सकते हैं, जानते होंगे, पुरानी है जल्दी। ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास धागा, आप लोग देख सकते हैं। और इसको इसमें हम बांधते हैं अच्छी तरीके से। ये जो यहाँ पर इसका ये हिस्सा होता है, यहाँ पर बांधेंगे हम इसको धागे को। ये देख सकते हैं गाइस, अच्छी तरीके से बन चुका है धागा। अब इसको हम बांध लेते हैं इधर तीली में, ये जो है तार जैसा है, तीली है, इसमें बांध देते हैं। इधर से नाप लेंगे, ये गाइस देख सकते हैं, इसको इसमें फंसा लेंगे, इस तार में, इधर साइड में इसको फंसा लेंगे और इसको धनुष के आकार में मोड़ लेंगे। इधर देख सकते हैं गाइस, ये ऐसे देख सकते हैं, ये धनुष के आकार का बन जाना चाहिए, तभी ये काम करेगा। गाइज ये देखिए बनके तैयार हो चुका है, ये इस तरीके से निकलता है और इस तरीके से इसमें लग जाता है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये माचिस है और इसमें हैं तीलियां। ये हम तीन चार तीलियां निकाल लेते हैं इस तरीके से, और इनका जो है मसाला निकालेंगे हम। तो गाइस ये हमारे पास कैंची पड़ी है जिसकी सहायता से मसाला इसका निकाल लेंगे। तो आप लोग गाइस देख सकते हैं अच्छी तरीके से पूरा
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये माचिस की तीली का जो रेड फास्फोरस होता है उसको हमने निकाल लिया है और इसको एक जगह कलेक्ट कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारी, जो भी बताना हो कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या कहते हैं इसे। इसमें इसको हम भरते हैं, इस रेड फास्फोरस को आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से इसमें मसाला दबा दबा के भरना होगा, तो हम एक तीली से इसमें अच्छी तरीके से मसाला भरते हैं। कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पटाखा बनके तैयार हो चुका है। इसमें मसाला अच्छी तरीके से भर चुका है और इसको हम इसमें इस तरीके से फिट करेंगे और किसी पत्थर पर जाके इस तरीके से हम उस पर मारेंगे और ये बहुत ही तेजी से दगेगी। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए और हम इसका टेस्ट करते हैं किसी पत्थर पर। तो चलिए चलते हैं गाइस। और गाइस देखिए, हम आ चुके हैं सड़क के किनारे और इसी पर इसका टेस्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर प्रेस करके ये दगती है या नहीं। बने हाँ, तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, हमने ट्राई किया रोड पर, बजड़ी थी लेकिन वहाँ पर ये नहीं दगा। अब हम इसको, ये खंभा मिल गया है बहुत ही अच्छा, इस पर ट्राई करते हैं ये दगता है या नहीं। तो आप लोग गाइस देखते रहिए। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास ये जो था दगाया, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से दगा, बहुत ही तेज आवाज आई और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत हुई है। हमने इस खंभे पर दगाया, आप लोग देख सकते हैं ये खंभा है, इस पे लाइट का खंभा, इस पे बहुत ही अच्छी तरीके से दगा, बहुत तेज आवाज आई। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, अगर अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।